दुनिया का सबसे खतरनाक गिफ्ट कैसे बनता है हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको खोलते ही क्या हाल होता है खोलने वाले का। मजा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मॉडल को बनाने के लिए हमें चाहिए एक या डेढ़ इंच का थर्माकोल। उस पे हम ड्रॉ कर लेंगे स्नेक को एक परमानेंट मार्कर से और उसके बाद एक हैंडमेड थर्माकोल कटर से उसको काट के बाहर निकालें। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। दोनों बटन को हिट कीजिए, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पीस निकल आया एस शेप का स्नेक बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको कॉर्नर से इस तरह से चारों तरफ से काट लेंगे और गोल शेप में ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ आपको काट के निकाल लीजिएगा स्मूथ एज करने के लिए ताकि वो पूरा राउंड हो जाए। ये हमने निकाल लिया है इसको और अब इसका आगे का काम हम लोग आगे करते हैं। इसको पीछे तरफ से ऐसे ग्रिप बनाने के लिए काट लीजिएगा। ताकि हम क्या है कि इसके आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें डालने वाले हैं ताकि पीछे का वजन थोड़ा हेवी हो जाए। बीच में से इस तरह थर्माकोल निकाल के एक छेद कर लीजिएगा। और अब इसका फोन बनाने के लिए हम इसको नाप करके एक स्क्वायर शेप में काट लेंगे। देखिए ये हमने दोनों काट लिया है। अब स्नेक को हम लोग मार्कर से इसका फन इसमें ड्रॉ कर लेंगे और काट के निकाल लेंगे। इस साइड से वहाँ पर उसको चिपकाया जाएगा। अब देखिए ये साइड जो है इसको कासेड जो मजा में कर रहा हूँ इसको हम लोगों को पूरे काट के बाहर निकालना है। ठीक है, ये तीन तरफ से हम लोगों ने बॉर्डर बना लिया थे और बीच वाला पोर्शन जो सेड कर रहा हूँ इसे काट के बाहर निकालना है थर्माकोल कटर की मदद। ये देखिए हमने काट के इसको बाहर निकाल लिया है। ये दो है जिसको ओपन के लिए हम यूज करेंगे दोनों साइड से ऐसे। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि एक हार्ड पेपर लेकर के इसको स्नेक के जहाँ ग्रिप बनाया था वहाँ से ऐसे रोल कर लेना है। मैंने इसके लिए एक फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज का यूज़ किया है। इसको सेलो टेप से बांध देंगे और इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोल करके इसमें डालेंगे। हाँ देखिए ये जो छेद आपको दिख रहा है इसमें हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस डालना है। तो हम मटेरियल ले आते हैं। देखिए एक कांटा चम्मच, ग्लास, पानी और प्लास्टर ऑफ पेरिस सबको हम क्या करेंगे कि इसमें ग्लास में डाल के उसका घोल बनाएंगे और उसके बाद जो पोस्ट कार्ड हमने रोल किया था उसके अंदर उसको डालेंगे और सुखाने के लिए दे देंगे।
ये हमने रख दिया है और इसके बाद इसको सुखाएंगे। तो थोड़ा सा सूखा है, पूरा नहीं सूख पाया दोस्तों। तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसका फन चिपका लेते हैं, जिसके लिए मैंने फेविकॉल फास्ट ड्राई गम यूज़ किया है। ये आपको 45 रुपीज़ मार्केट में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा सूख नहीं पाया, इसके लिए थोड़ा सा अभी भी गीला है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने ब्लेड का यूज़ किया है सेलो टेप काटने के लिए। इसके बाद ये किसी पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ, उसको मैं निकाल लेता हूँ। और उसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको ओपनली टेरेस पे, छत पे, धूप पे सुखा देता हूँ। देखिए ये गीला है अभी भी, इसलिए हाथ पे आ जा रहा है। और इसके बाद हम लोग इसको सुखा लेते हैं। तो अब हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मार्कर से पहले बीच का वाइट जो निकलेगा उसको बॉर्डर बनाने के लिए दोनों साइड से आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद कलर स्टार्ट करेंगे। यूज़ कीजिए फैब्रिक क्रील, फैब्रिक कलर इसके लिए। ये जल्दी सूखता है और इसमें शाइनिंग रहता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल में मिलेगा आपको नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स। प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूं स्टडी से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। थैंक यू। दोस्तों, अब हमें बनाना है स्नेक स्पॉट्स। उसके लिए हम ये पोटैटो यानी आलू का यूज़ किया है हमने, और इसको जो है क्रिस क्रॉस 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 हम इसको काट लेंगे। ऐसे देखें आप लोग, ये थोड़ा सा ब्लैक है, थोड़ा कलर लग गया है। और इस तरह से स्टंप लेके पहले पेपर में चेक कीजिए, ताकि थोड़ा ड्राई रहे। देखिए ये हमारा स्नेक स्पॉट आ गया है। अब इसको हमें स्नेक के बॉडी में, पूरे बॉडी में लगा देना है स्टंप के जैसा। ये देखिए,
तो ये था हमारा स्नेक, और अब हम इसका आँख लगाएंगे। आँखों के लिए हमने लौंग का यूज़ किया है, जो मसाले में डाला जाता है। दो लौंग लीजिए, जिसके ऊपर के गोल हिस्सा थोड़ा बड़ा हो। उसको पहले वाइट पे कलर कर लीजिएगा, किसी भी कलर पे, और उसको थोड़ा सा ग्रे कर दीजिएगा, और उसको बाद में हम ऊपर से रेड स्पॉट लगाएंगे। ये हमने रेड स्पॉट लगाया। ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद हमें चाहिए जीआई तार, जीआई वायर। दो हिस्से में इस साइज में काट लीजिए, जिसे जिसको कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस तरह से गोल से मोड़ के लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसको मोड़ लेना है, और इसके बाद हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर में, जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर में गोल से लगा देंगे। इसको टाइट कर दीजिए नीचे से, और इसका एक्स्ट्रा हिस्सा काट के और मोड़ लीजिए। अब देखिए इसका मैकेनिकल हिस्सा एकदम ठीक है, और ये झूल गया है, ये बिल्कुल सही तरीके से लग गया है। इट्स डन। अब इसका हम लोग दांत बनाएंगे। दांत बनाने के लिए हमने यूज़ किया है दालचीनी, जो एक मसाले का आइटम है, और एक कार्डबोर्ड को हमने काट लिया है इस शेप में, जो कि उसका टंग यानी कि जीभ बनाने का काम आएगा। वो लाल कलर से कलर कर दिया है, और फेविकॉल फास्ट एडहेसिव से इसको हमने इसके अंदर डाल दिया, और इसके बाद हम दांत को भी उसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं वाइट कलर से जो हमने रंग दिया है। अब हम इसका आँख लगाएंगे। गम लगाइए और आँखों के प्लेस में प्लेस कर लीजिए। ये तैयार। अब हमें चाहिए एक शू बॉक्स, जो आप सभी के घर में होगा, ये देखिए ऐसा। और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो एक दूसरा वायर है उसको इस तरह से मोड़ के और दो छेद बनाएंगे एक सीध पर, और इस तरह से लटका देंगे। ये इसका मैकेनिकल प्रोसेस है, और दोनों साइड से उसको बेंड कर देंगे ताकि वो हिले नहीं, जगह पे टिके रहे। एक सफ़ेद पेपर लेंगे या कार्डबोर्ड लीजिए, उसको सेलो टेप से चिपका दीजिए। इसके ऊपर से गिफ्ट पेपर से हम इसको पूरा कवर कर देंगे। ये हो गया तैयार हमारा स्नेक बॉक्स। और अब हम उसके ढक्कन था, उस ढक्कन को कवर कर लेते हैं गिफ्ट पेपर से। ऐसे ये तैयार है। चलिए अब इसको खोलते हैं। 3, 2, 1 बूम। Yeah.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।